हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रियल ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस क्लास में देखा होगा, जहां मैं इलेक्शन वगैरह के बारे में आपसे बात कर चुका था, जहां मैं FPPT के बारे में और प्रोपोर्शनल वगैरह के बारे में आपसे बात कर चुका था। क्या है, इस चैप्टर के ऊपर दो पार्ट इसके ऑलरेडी बन चुके हैं, तो जिन लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे पहले उन पार्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर से। अब बात करते हैं आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। देखो, आज की क्लास में एक जैसा कि तुम बचपन से देखते आ रहे हो उसी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि इलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने उस फॉर्मेट को बताया था कि इंडिया में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, कौन सा मेथड वगैरह अपनाया गया। आज हम प्रॉपर इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इलेक्शन कमीशन में क्या क्या होता है, कौन कौन लोग होते हैं और किस तरीके से चुना जाता है किसी कैंडिडेट को, कैंडिडेट को चुनने से पहले क्या प्रक्रिया होती है, उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, जब हमारा देश आजाद हुआ, आजाद कब हुआ, 1947 में, कितने को, 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, और 26 जैन 1950 में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया, इतना आप लोग जानते होंगे। अच्छा, जानते हो तो आगे की कहानी सुनो। जब ये सारी चीजें हो गई तो उसके बाद हमारी कंट्री में इलेक्शन कराना था। देखो, इलेक्शन कराना उस समय इतना ज्यादा इजी नहीं था। इजी क्यों नहीं था, क्योंकि देश का अभी अभी बंटवारा हुआ था। बंटवारा होने के साथ साथ में हमारे देश में बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स रहते हैं। क्या है, लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे बात करें, या उनके एरिया के बेसिस पे बात करें, हर तरीके के लोग इंडिया के अंदर रहते थे। और एक पार्टी सबसे ज्यादा पॉपुलर थी उस समय, कौन सी पार्टी, हाँ, सही समझे, कांग्रेस पार्टी। अब बात करते हैं फर्स्ट जनरल इलेक्शन की। फर्स्ट जनरल इलेक्शन की बात करें, वो 1951 से स्टार्ट हुए थे, लेकिन 1952 में प्रॉपर तरीके से इलेक्शन हुए थे, तो उसको बोला जाता है जनरल इलेक्शन ऑफ 1952। तो अब कराएगा कौन इलेक्शन, इलेक्शन तो होंगे जब डेमोक्रेसी है, तो मेजोरिटी के बेसिस पर नेता चुना जाएगा। और चुना जाएगा तो कैसे चुना जाएगा, कौन इलेक्शंस कराएगा, उसी के लिए 25 जनवरी कब, 25 जनवरी 1950 कब, 25 जनवरी 1950 को हमने इलेक्शन कमीशन को बनाया। कब बनाया, 25 जनवरी 1950 को हमने इलेक्शन कमीशन को बनाया। और पहले इसके कमिश्नर कौन, सुकुमार सेन। तो इलेक्शन कमीशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, चेयरमैन, चेयरपर्सन की बात करें, कमिश्नर की बात करें, कौन थे, सुकुमार सेन। एक नंबर में पूछ लिया जाता है कभी भी। तो क्या है, सुकुमार सेन आए, उन्होंने इलेक्शंस वगैरह कराए, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी वगैरह हुई। अब क्या है कि इलेक्शन कमीशन में क्या, एक सिंगल कमिश्नर हुआ करता था। सिंगल कमिश्नर कैसे कि एक ही कमिश्नर होता था, कब तक, टिल 1989 तक। उसके बाद क्या हुआ कि काफी सारी समस्याएं आने लगी, लोग बोलने लगे या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बोलने लगी, क्या ऐसा हो सकता है कि जो कमिश्नर था वो किसी पार्टी के साथ मिल जाए तो उसे चुनाव जिता देगा। तो उसकी वजह से क्या है कि एक प्रणाली अपनाई गई, मतलब कि नई नीति अपनाई गई, जिसके अकॉर्डिंग इलेक्शन कमिश्नर दो बनाए गए। अब इसको बोला गया ड्यूअल कमिश्नर। अब 1993 के बाद ड्यूअल कमिश्नर बोल दिए गए, कैसे कि अब एक कमिश्नर नहीं होगा, दो कमिश्नर होंगे। काफी सारी चर्चाएं चली इस पे, बाद में जाके कोर्ट ने फाइनल मोहर लगा दी कि अब हमारे इंडिया में दो इलेक्शन कमिश्नर वगैरह हुआ करेंगे। अब आगे बात करें इसमें, अब इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और दो इलेक्शन कमिश्नर से क्या फायदा है, देखो फायदा ये है कि अगर एक कहीं ना कहीं कुछ गलत कर दे, दूसरा उस चीज को संभाल लेगा। काफी सारे प्लस पॉइंट्स थे हमारे पास उसको लाने के। और क्या होता है कि इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है, और प्रेसिडेंट ही उसको हटा सकता है। हाँ, अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर, लोकसभा राज्यसभा में भी तो इम्पीचमेंट लाके हटाया जा सकता है, कैसे हटाते हैं। अगर इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो
तो लोकसभा राज्यसभा में एक इम्पीचमेंट लाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकते हैं, जो कि इतना आसान नहीं है। जैसे प्रेसिडेंट के हटाने का प्रोसेस होता है, सेम प्रोसेस होता है इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का। सही समझेगी, जो प्रेसिडेंट का प्रोसेस होता है हटाने का, वही होता है इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का। अगर ऐसा नहीं होता, अगर मान लो कि इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करती गवर्नमेंट कि मैं गवर्नमेंट में हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरे इलेक्शन होने वाले हैं, मुझे डर है कि मैं चुनाव में हार जाऊंगा, जब मैं चुनाव में हार जाऊंगा तो मैं किसके ऊपर अपनी गुस्सा निकालूंगा कि कौन मुझे जिता सकता है और कौन इलेक्शन कंडक्ट कराता है। अरे इलेक्शन कमीशन इंडक्ट कराता है, कंडक्ट कराता है इलेक्शन। अब ये कंडक्ट करा रहा है तो मैं इसको धमकी दूंगा कि तुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा, नहीं तो तू मुझे जिता। इसकी वजह से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बनाया गया कि इसके ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं, ये एकदम फ्री एंड फेयर काम करेगा। जैसे कि हमारा कोर्ट जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ऐसे ही ये भी इंडिपेंडेंट है। अब प्रॉपर तरीके से इंडिपेंडेंट होके जो लोग जीतते हैं उनके लिए काम करा जाता है। बात क्लियर यहां तक? यहां तक समझ आ रही है? अच्छा, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक किया करो, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस क्या है, आप लोगों को वीडियो देखने के बाद में कंपलसरी है रीड करना। भाई अगर रीड नहीं करोगे तो चीजें क्लियर नहीं होंगी, तो रीड करना भी कंपलसरी है ही। अब बात करते हैं, देखो कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें कि इलेक्शंस को कंडक्ट कराना और सारी चीजों को मैनेज करना। जैसे कि मैनेज कैसे करना कि इस समय इलेक्शन हुए, हमारे दादाजी थे, इलेक्शन हुए, वोट दिया, कुछ दिन बाद वो चल बसे, जब कुछ दिन बाद चल बसे तो फिर 5 साल बाद इलेक्शन आए, क्या उनका नाम आएगा उस सूची में जो वोटर लिस्ट थी, या नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उससे पहले गवर्नमेंट ने, इलेक्शन कमीशन ने अपना सर्वे किया कि कितने लोग स्वर्ग से दार गए और कितने लोग अब 18 प्लस के हो गए। जब आप 18 प्लस के हो जाएंगे, आपके सिबलिंग्स जब 18 प्लस के हुए होंगे तो उनके वोटर कार्ड बने ना, तो ऐसे ही तो उनको वोटर कार्ड इशू कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट नहीं, इलेक्शन कमीशन इशू करता है, क्योंकि इलेक्शन तो इसी के बेसिस पे होंगे। अब क्या है, वन पर्सन वन वैल्यू, किसी किसी व्यक्ति के 2 इलेक्शन कार्ड बन जाए या 2 वोट डाले, ऐसा नहीं होगा। इन सारी चीजों को देख रेख कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन करेगा। कोई ऐसा कुछ ना हो, पूरी सूची बनाना कि स्टार्टिंग से इलेक्शन कब होंगे, कब उसका रिजल्ट निकलेगा और कैसे कैसे होंगे, किसके चरण में होंगे। देखो क्या होता है, इलेक्शंस भी कई चरणों में होते हैं। जैसे कि हम लोकसभा के इलेक्शंस की बात करें, 543 सीट्स के लिए इलेक्शन होना है। क्या पॉसिबल है कि 543 सीट्स के लिए इलेक्शन एक साथ पूरे देश में करा दिया जाएगा? Not possible। इसके लिए चरणों में बांट दिया जाता है कि इस चरण में इलेक्शन होंगे, मतलब कि यूपी में भी 2-3 चरणों में इलेक्शन होता है कि आगरा मंडल के अब इलेक्शन होंगे, मेरठ मंडल के अलग इलेक्शन होंगे, कि डेट अलग अलग दे दी जाती है, जिससे कि प्रशासन और हमारा पुलिस सिस्टम अच्छे से और इलेक्शन कमीशन अच्छे से इलेक्शन वगैरह करा पाए। अब बात करते हैं अलर्ट सिंबल्स। देखो सिंबल्स की बात करें, इसकी बात करें, कमल के फूल की बात करें, कुछ साइकिल की बात करें, ये पॉलिटिकल पार्टी इसको किसने इशू किए? अरे इशू किसने किए? इलेक्शन कमीशन ने इशू किए। और अब जो नए नए व्यक्ति खड़े होते हैं, निर्दलीय खड़े होते हैं, निर्दलीय क्या, हर व्यक्ति को राइट है इलेक्शन में खड़े होने का, तो उनको अलॉट कौन करता है सिंबल्स? इलेक्शन कमीशन ही करता है उनको अलॉट। अब बात करें क्या है पोस्टपोन इलेक्शंस, हाँ भाई बिल्कुल कर सकता है। अगर कहीं पर कोई समस्या है, किसी एरिया में परेशानी है, तो इलेक्शंस को वो पोस्टपोन भी कर सकता है। जैसे कि मान राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी, जब गांधी राजीव गांधी जी स्वर्ग से दार गए थे तो क्या हुआ था कि वहां पर बहुत ज्यादा समस्याएं हो गई थी। समस्या क्या हो गई थी? उनके सपोर्टर्स उनके लिए रोडों पर उतर आए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था,
कई जगह का इलेक्शन उस टाइम पर कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी गए थे, जब जैसे पार्टी वगैरह के लिए वोट वगैरह मांगने जाते हैं ऐसे ही एक सभा करने हुए गए थे, उसके द्वारा उसी में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो पोस्टपोन कर दिए गए इलेक्शंस। तो ऐसे ही क्या है कि इलेक्शंस को पोस्टपोन करना, अब अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें अक्सर वहां पर लड़ाई झगड़ा हो जाता था जब तक वो इंडिया का पार्ट नहीं था। लेकिन आप लोगों को तो पता है कि अभी हमारा इंडिया का पार्ट हो गया है वो। अच्छा, अब आप लोग बताओगे कि जम्मू कश्मीर कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग स्पेशल राज्य था, मतलब कौन से आर्टिकल को हटा दिया गया है उसके बाद उसे हमारी कंट्री में मिलाया गया है। आप लोगों का आंसर आना चाहिए कमेंट सेक्शन में, मुझे भी तो पता लगे कि आप लोगों को कितनी नॉलेज है इस चीज के बारे में। जब आपने आर्ट्स लिए तो पता तो होनी चाहिए इन चीजों के बारे में। अब क्या है, उसी बेसिस पे इलेक्शंस वगैरह को पोस्टपोन वगैरह कर देना। कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ही काम करता है। और अब आगे बात करें कि क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन के पास में ज्यादा लोग नहीं होते, ज्यादा मेंबर्स काम करने वाले नहीं होते। जब आप गांव वगैरह में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कोई सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल्स में इलेक्शन होते हुए, मतलब वोट डालने लोग जानते हैं और वहां के टीचर्स भी लगे होते हैं वोट डलवाने में, उन लोग तो क्या है और अपॉइंट भी करते हैं। ये इलेक्शन कमीशन क्या है, वहां ऑफिसर्स वगैरह को भी अपॉइंट करता है जो प्रशासन है अलग से, जैसे कि हम मान लें आईएएस आईपीएस वगैरह होते हैं, उनकी भी ये मदद लेता है इलेक्शन कंडक्ट कराने में। तो इलेक्शन ऑफिसर्स भी अपॉइंट करता है। अब क्या है, इलेक्शन ऑफिसर इनकी बात ना माने या मान नहीं रहा या कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ ये एक्शन भी ले सकते हैं। तो इस तरीके की सारी चीजें कौन करता है, इलेक्शन कमीशन। और एक बात याद रखना, इलेक्शन कमीशन ही है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराता है। पहले की बात बताएं आप लोगों को, तो पहले इलेक्शंस कैसे होते थे भैया, बैलेट पेपर से इलेक्शन हुआ करते थे, जैसे कि किसी का एक साइड में चुनाव चिन्ह और उस पर मोहर ठोकी और पेपर फोल्ड किया डाल दिया। लेकिन अब क्या हुआ कि ईवीएम बटन दबाई हो गया काम, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने तो इल्जाम भी लगाए थे इलेक्शन कमीशन पे कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, आप लोगों ने सुना होगा न्यूज वगैरह में। अब बात करते हैं कि क्या ऐसे रिफॉर्म वगैरह हैं जो हमें आज के टाइम पे इलेक्शंस वगैरह में लाने चाहिए। एक और चीज बताते हैं हम आपको यहाँ पर, चलो यही बात करेंगे उसके बारे में भी, क्या है कि उसके बेसिस पे जैसे कि फीमेल्स के लिए सीट रिजर्व होनी चाहिए। हाँ है, लेकिन प्रॉपर तरीके से उस पर काम नहीं होता, अमल नहीं होता। तो एक प्रॉपर तरीके से रिजर्व देके उसमें बोल देना चाहिए कि हाँ ये महिला ही लड़ेंगी, ना 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 कोई और नहीं लड़ सकता, इस तरीके की। अब बात करें क्रिमिनल केसेस रेस्ट्रिक्शन, देखो क्या है कि किसी व्यक्ति के ऊपर क्रिमिनल केस हो या उसके खिलाफ कोर्ट में याचिका भी लगी हो तो उस तरीके से उसको इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। या वो व्यक्ति 2 साल या 2 साल से अधिक जेल में रहके आया है तो उसको इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। तो इस तरीके की चीजें। और रोल ऑफ मनी, आप लोग भी जानते हैं कि चुनाव में पैसा पानी की तरह बहता है, तो पैसा पैसा वाला गाना भी याद आ गया इस चीज से, जब पैसे की तरह पानी बहता है, नहीं 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 पानी की तरह पैसा बहता है, हमें कंफ्यूज हो गया। अब क्या है कि आप जानते जो पैसा ज्यादा खर्च करता है वो लोग इलेक्शन में जीत जाते हैं, जो लोग पैसा ज्यादा खर्च करते हैं वो इलेक्शन में जीत जाते हैं। अब ऐसा ना हो उस चीज की भी देखरेख करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। अगर ऐसा ही होगा तो पैसे वाले ही हमेशा जीत जाएंगे, जैसा कि मैं आपको लास्ट क्लास में बता रहा था जहां पर रिजर्व इलेक्टोरेट की बात करी थी, जहां बताया था कि सीट रिजर्व वगैरह रहती है। अब बात करें कंप्लीट बेन ऑन द कास्ट एंड रिलीजन, देखो क्या है जैसे कास्ट के बेसिस पे बहुत सारे लोग वोट मांगते हैं और रिलीजन के बेसिस पे भी बहुत सारे लोग वोट मांगते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, माय नेम इज सचिन सोलंकी एंड जो
भी लोग सोलंकी हैं, वो लोग मुझे ही वोट देना, या मैं उनसे बोलूं कि वही लोग मुझे सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, तो ये जेन्युइनिटी नहीं होगी, ऐसा मैं नहीं कर सकता। या मैं बोलूं कि मैं हिंदू हूं तो सिर्फ हिंदू लोग ही मुझे वोट दें, ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं बोलूं कि ओहो ये तो काला है इसको वोट नहीं देना, तो रेसिज्म के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे हम किसी के साथ गलत या हम उसके बेसिस पे वोट नहीं मांग सकते। जैसे कि मैंने बोला कि मैं काला हूं तो जितने भी काले लोग हैं वो सब मुझे वोट देना, ना 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 ऐसा नहीं होगा। क्या है कि कास्ट की सब लोगों को वोट देने का अधिकार है, सब लोग वोट दे सकते हैं, जिसको अच्छा लगता है वो उस व्यक्ति को वोट दे सकता है। हम कास्ट का वहां पे यूज नहीं कर सकते इन चीजों का, ना रिलीजन का यूज कर सकते हैं। और क्या हुआ है फिर उसमें, लॉ टू रेगुलेट फंक्शनिंग द पॉलिटिकल पार्टी। देखो पॉलिटिकल पार्टी के लिए लॉ वगैरह को रेगुलेट करना, प्रॉपर तरीके से चलाना, इस तरीके की चीजें भी उसके अकॉर्डिंग में करना। तो ये तो रहा हमारा इलेक्शन कमीशन। तो आप लोगों का क्या करना है कि चैप्टर को रीड मस्ट है, रीड जरूर करना है एक बार, और कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो यहां तक किसी को कोई परेशानी हो, दोनों वीडियोस को देखना, ये थर्ड पार्ट हो गया इसका, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।